बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़माने में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:15 का टाइम हो रहा है। तो अभी हम लेने जा रहे हैं चारा, तो बाइक का इंतज़ार है। बाइक बाहर खड़ी है, वो आती है तो उसके बाद हम उसके साथ जो रेडी बांधते हैं वो बांधेंगे, फिर उसको ले कर जाएंगे। रेडी को हमने लगाया इधर, तो ये थोड़ा सा फासला है, वो आगे तक जाना पड़ेगा हमें। चारा हमारा कटा हुआ है, क्यों वो आदमी एक रखा हुआ है वो काट जाता है सुबह को, तो हमने सिर्फ उठाना होता है, उठा के लेके जाना होता है। तो अभी बस जल्दी जल्दी से पलियों में डालते हैं, उसके बाद उठाते हैं और लेके चलते हैं, क्यों अभी नाश्ते का भी टाइम है, नाश्ता भी हमने करना है। क्यों पहले चारा लेके जाते हैं फिर नाश्ता करते हैं। कटा हुआ है चारा, अभी इसको रेडी पे फेंक के सारी पड़ने ऐसी ही लेके जानी है हमने। तो रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक सा है, नीचे एहतियात से लेके जाना पड़ता है सब कुछ। तो अभी तो एक है, तो पांच पंडे होती हैं हमारी जो हमने लेके जानी होती हैं। तो थोड़ा सा सफ़र भी है, तो अभी बस इसको फेंकते फिर बाकी जो रहती हैं वो फेंक के फिर घर की तरफ चलेंगे। ये चार पंडे रखी गई हैं, अभी आखिरी रहती है तो बस वो रख के फिर घर चलेंगे। तो चारों रख दी हैं मैंने, बस एक रहती है वो खुले पट्टे होते हैं बकरियों के लिए, वो अलग से रखते हैं, वो रख रहे हैं। फिर उनके ऊपर जो है वो आखिरी पंड रखेंगे कि वो जो पट्टे हैं वो गिरे ना नीचे। तो बस उसके बाद फारग हैं इस काम से। सुबह का नाश्ता है आलू छोलिए का सालन, साथ ये बिरयानी है और साथ ये लस्सी है और ये साग है थोड़ा सा। अभी नहाया था, कपड़े बदले थे मैंने और नमाज पढ़ी है दोपहर की। अब थोड़ा सा काम जा रहा हूँ, एक साथ वाली बस्ती है उसमें थोड़ा सा काम है, तो बस जाना है और फिर वापसी है थोड़ी देर तक। अभी जा रहे हैं, रास्ता उसी तरफ जा रहा है, तो अभी हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर तक। तकरीबन 5 मिनट का सफ़र है। ये साथ ये एक दरबार सा बना हुआ है इधर हमारे गांव के साथ ही है, काफ़ी मशहूर है। हमने अंदर तो जाके नहीं देखा है अंदर क्या चीज़ है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है हमने, तो पता नहीं अंदर क्या चीज़ है। काफ़ी औरतें वगैरह भी आती हैं इधर, तो ये इधर मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी क्यों रास्ते में ये भेड़ बकरियाँ वगैरह हैं। रास्ता दे दिया उन्होंने, तो ये एक चीज़ है बाइक के साथ मेरी लटक रही है, ये सिर्फ वो नुक्कड़ पे एक है, तो उस उधर पकड़ा ना इसको, फिर उसके बाद हमारी इधर से ही वापसी, कोई काम और नहीं है। ये गंदम की सूरत हाल आजकल गर्मी काफ़ी बढ़ने लगी है, तो गंदम भी पकना शुरू हो चुकी है।
काम हमारा हो चुका है तो अभी सिर्फ वापसी है, अभी निकलते हैं वापसी के लिए। सिर्फ थोड़ा सा काम था, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे, तो अभी बस वापस निकलते हैं। अभी घर वापस आ गया हूँ। गर्मी काफ़ी है, बाहर का माहौल काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं रुमाल वगैरह लपेट के फिर गया था, क्यों काफ़ी असरात होते हैं तो इसलिए हिफाजत अच्छी है। तो अभी घर पहुँचे हैं तो अभी कुछ मूड नहीं है, बाहर तो वैसे नहीं जाया जाएगा कहीं भी, गर्मी है तो अपने कमरे में हूँ, पंखा चल रहा है, तो अभी कुछ असर तक आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर बाहर का मूड बना तो बाहर चलेंगे, वरना फिर क्यों। आज मैंने वो दूसरा चैनल है उसकी भी वीडियो बनानी है, उसकी भी तैयारी काफ़ी है मेरी, तो काफ़ी दिन हो गए उस पर वीडियो नहीं डाली है, तो आज उस पर भी इरादा है कि वीडियो डालेंगे। काफ़ी टॉपिक एक है, क्यों दोस्तों की डिमांड भी है उस पर, तो इसलिए मैं उसी पे ही एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों हम उस पर वही वीडियो बनाते हैं जो दोस्त हमें कहते हैं, तो इसलिए वो दोस्तों की कुछ डिमांड रही थी उस पर हम वीडियो बनाएंगे, फिर वो अपलोड भी करनी है, देखेंगे वो बनाएं तो आज, लेकिन देखेंगे अपलोड आज करनी है कि कल करनी है, क्यों उस पर काम ज़्यादा लंबा होता है, कि उसका थंबनेल काफ़ी मुश्किल बनाना होता है, काफ़ी टाइम लगता है, आधे से पौने घंटे तो थंबनेल पे ही लग जाता है उस पर। इसका तो आसान होता है, एक तस्वीर का वो खींचो और थंबनेल लगा दो कोई अच्छी सी, तो उसके काफ़ी कुछ लिखना भी पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी देखते हैं कब तक टाइम मिलता है वीडियो बनाने का।